वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर हिस्ट्री, सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड चैप्टर टू। चैप्टर टू का पार्ट हमने वन हमने पहले वीडियो में कवर किया हुआ है। आज हम पार्ट टू को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ पेज नंबर 16, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे चेंजेस हुए क्लाइमेट में, वर्ल्ड में। विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मेनी एरियाज, दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। बहुत सारे वार्म कंडीशन आए, कुछ ग्रासलैंड्स डेवलपमेंट हुआ। दिस इज टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, और इसी वजह से जो डियर इंक्रीज हुए, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। इट इज़ लाइकली दैट इज हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स, एंड फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। फिर जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वो उन्होंने फिशिंग भी स्टार्ट करी। नाउ द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यहाँ पे फिर फार्मिंग और हर्डिंग की स्टार्टिंग हुई। दिस वॉज ऑल्सो टाइम वेन सेवरल ग्रेन बेरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नेचुरली ये सारे ग्रो हुए सब कॉन्टिनेंट्स में, बार्ले, राइस, वीट एंड मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स, और उन्होंने इन सबको कलेक्ट किया ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रू, और फिर उन्होंने सीखा कि कहाँ ग्रो होते हैं। वेन दे रिपाइंड दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, और इसी तरीके से जो पीपल है वो फार्मर बने। नाउ पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड। अब उन्होंने एनिमल्स को क्या किया, पालना शुरू किया और अपने जो शेल्टर होते थे उनके पास रखना शुरू किया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डॉग को पालना शुरू किया अपने घरों के आसपास। लेटर पीपल इंकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। दिस एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स। उन्होंने किस किस को पालना शुरू किया, रखना शुरू किया, शीप को, गोट को, कैटल को। मस्ट ऑफ देम ग्रास, ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड देम एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स, और इस तरीके से वो क्या बने, हर्डर्स बने, दैट मीन्स कि जानवरों को पालने वाले। पेज नंबर 17, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन इज प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, एंड वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ डोमेस्टिकेशन वॉज ग्रेजुअली प्रोसेस दैट लुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगेन अबाउट, इसकी स्टार्टिंग जो है वो है 12,000 ईयर्स एगो। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज अ फूड टूडे इज रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। हम एनिमल्स को जो है उनके पालते हैं उनको हम, और उनसे जो हमें फूड या जो भी मिलता है, दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, तो उसको रिजल्ट मिलता है हमें, और इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। नाउ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब जब हंटर गैदरर्स इतना कुछ सीख गए, फार्मिंग, हर्डिंग और जो इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं वो भी उनको समझ में आ गए, तो अब इतना कुछ चेंज आ गया है तो अब कुछ नया भी होगा। न्यू वे ऑफ लाइफ में क्या हुआ, अब देखते हैं। इफ़ यू प्लांट अ सीड सो विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अब उन्होंने सीड को भी नोटिस किया कि जब ये सीड को हम ग्रो करते हैं तो फिर से प्लांट आ जाता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, और बहुत सारा टाइम भी लगता है उसको प्लांट आने में, या तो वीक्स लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, इन सम केसेस ईयर्स, और कुछ केसेस में साल भी लग सकते हैं। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जब वो प्लांट ग्रो करने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक प्लेस पे लंबे समय तक भी रह सकते हैं। लुकिंग आफ्टर द प्लांट, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपाइंड एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब वो
जो प्लांट्स उगाते थे वो उनकी केयर भी करते थे, उनको पानी देते थे और एनिमल्स और बर्ड्स उनको बचाते थे। पेज नंबर 18, एस ग्रेड हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग। अब उनको स्टोरिंग करना भी शुरू किया पीपल ने, जो सीड्स होते थे, फूड होते थे, उन सबको। इन मेनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले। अब वो स्टोरिंग कहाँ करते थे, बहुत बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए उन्होंने, वो बास्केट्स बनाए, मतलब बास्केट बुन के बनाए, डग पिट्स इन टू द ग्राउंड। नाउ स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स की जो संख्या है वो नेचुरली बढ़ती जाती है। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, और वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड। अब एनिमल्स को भी हम स्टोर ऑफ फूड के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, मीट, मिल्क, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, अब ये आपको मैप में देखना पड़ेगा, टर्न टू मैप एंड पेज नंबर 13 वाले पे। यू विल नोटिस द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, जो ब्लू स्क्वायर्स होंगे मैप में, वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि जहाँ पे फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स मिले। हे फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, आर्क्योलॉजिस्ट को भी कुछ एविडेंस फाउंड हुए हैं फार्मर्स और हर्डर्स के। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स, वहाँ पर उनको ये चीज़ें भी फाइंड हुई। एंड साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नाउ टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब हम बात करेंगे सेटल्ड लाइफ की, जब लाइफ बिल्कुल अच्छे से सेटल्ड हो जाती है उसकी। आर्क्योलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ड्स आर हाउसेस ऑफ सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बुरजहम। पेज नंबर 19, बुरजहम जो है वो कश्मीर में प्रेजेंट है अभी। पीपल बिल्ड पीट हाउसेस, जहाँ पे उन्होंने पीट हाउसेस बनाए थे, डग इन टू द ग्राउंड, जहाँ पे जैसे कि अभी हमने पढ़ा था जो स्टोर करते थे फूड को, तो ग्राउंड में डिग करके वहाँ पे स्टोर करते थे फूड को, विथ स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम। आर्क्योलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्थस बोथ इनसाइड, कुकिंग होती थी उनकी तो वो भी उन्होंने फाउंड किया है। हर्ट्स जो झोपड़ियाँ होती थी वो सजेस्टेड दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, और जो वो खाना बनता था उनका जो किचन होता था वो डिपेंड करता था वेदर पे। पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स, इंडोर भी उनके किचन होते थे और आउटडोर भी होते थे, और वो डिपेंड करता था वेदर पे। ड्रॉ अ पिट हाउस, आपको ड्रॉ करना है। नाउ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, मेनी ऑफ अदर्स डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, हमने पढ़ा है पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव फाइन कटिंग एजेस, पैलियोलिथिक तो हमने पढ़ा ही है। नियोलिथिक में क्या हुआ कि जो स्टोन टूल्स बने वो बहुत फाइन बनने लग गए, मतलब बहुत ही अच्छे से बनने लग गए, शार्प बनने लग गए, छोटे छोटे बनने लग गए, उनकी कटिंग होने लग गई फाइन इस तरीके से। नाउ उनको यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, ग्रेन्स को ग्राइंडिंग भी करने लग गए वो उन टूल से। प्लांट्स प्रोड्यूस इवन टूडे सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर, एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज एंड रिमेंबर सम टूल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, पॉट्स को भी फूड पकाने के लिए उनको यूज़ करते थे, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, राइस को पकाने के लिए वीट एंड लेंटिल्स, दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। बिसाइड द बिगेन वेविंग क्लोथ यूजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फिर वो क्लोथ्स को भी बुनने लगे और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स से, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, और कॉटन को भी ग्रो करने लगे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर, और इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आने लग गए और इस तरीके से उनकी जो लाइफ थी वो सेटल्ड हो गई। नाउ अ फाइंड मेहरगढ़, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द
बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इन टू ईरान. यहाँ पे ईरान का जो एक प्लेस बता रखे हैं मेहरगढ़, वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले. और यहाँ पे ये फाइंड हुआ है कि जो बार्ले को ग्रो करना होता है वो यहाँ पे लर्न हुआ. एंड वीट एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस. यहाँ पे बहुत पुराने विलेजेस हैं. बोन्स वर फाउंड, वहाँ पे एनिमल्स बोन्स फाउंड हुए हैं. वाइल्ड एनिमल्स फाउंड हुए हैं, उनके भी बोन्स फाउंड हुए हैं, सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड. अदर फाइंड्स ऑफ मेहरगढ़ इंक्लूड रिमाइंड्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस. इस तरीके के कुछ हाउसेस भी फाउंड हुए हैं. और जो बोन्स की बात हो रही है वो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ बोन्स भी फाउंड हुए हैं एनिमल्स के. नाउ यहाँ पे ये जो मेहरगढ़ के बारे में ये लिखा हुआ है ये भी हमने देख लिया. नाउ एल्सवेयर, आपके हर चैप्टर में हिस्ट्री के चैप्टर में एल्सवेयर आता है, दैट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो. तो एल्सवेयर में इस बार यहाँ पे है केव पेंटिंग इन फ्रांस, फ्रांस की केव पेंटिंग दी हुई है. तो ये फाइंड हुए फ्रांस में, एटलस में भी दिखती है. और फाइंड किसने किए, डिस्कवर्ड बाय फोर स्कूल चिल्ड्रन, कुछ चार स्कूल बच्चे थे उन्होंने, मोर देन 100 ईयर्स एगो, इतने साल पहले फाइंड की उन्होंने. और पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals, such as wild horses, orchids and elder wild form of cattle, bison, woolly rhino horses and reindeer and bear, painted in bright colors. बहुत bright colors से paintings बने हुए हैं. और यहाँ पर आप इनका photo देख सकते हैं. पेज नंबर 22. अब यहाँ पे आपको एक और एल्सवेयर दिया हुआ है ब्रैकेट में. और नियोलिथिक साइट, फाइंड टर्की इन योर एटलस. पहले तो आप एटलस में, दैट मीन्स कि मैप में टर्की फाइंड करिएगा. वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट. और ये एक बहुत फेमस नियोलिथिक साइट है. केटल हुएक वॉज फाउंड इन टर्की. सेवरल थिंग्स वर ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस. फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea and used in the settlement. Remember, there was no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. Thank you. Now, अब हम यहाँ से हमारी एक्सरसाइज वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 2, फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स, हैबिटेशन दैट मीन्स निवास, फार्मर्स किसान, पैलियोलिथिक एज पुरापाषाण, मेजोलिथिक मध्य, नियोलिथिक नवपाषाण एंड डोमेस्टिकेशन दैट मीन्स कि जानवरों को पालना. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. फर्स्ट इज भीमबेटका इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे. अभी प्रेजेंट डे में जो भीमबेटका है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट, व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर्स, बोथ ए एंड बी. तो जो हंटर गैदरर्स थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव क्यों करते थे? फूड की सर्चिंग में तो करते ही थे, शेल्टर की सर्चिंग में भी करते. तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट सी, इन द एंशंट टाइम्स टूल्स वर मेड अप ऑफ विच मटेरियल? जो एंशंट टाइम में टूल्स बनते थे वो किस मटेरियल से बनते थे? स्टोन, वुड्स और बोन. तो सबसे ज़्यादा तो स्टोन से बनते थे, वुड और बोन से भी बनते थे बट मोस्टली स्टोन. तो यहाँ पे हम स्टोन पे टिक करेंगे. नेक्स्ट, हाउ डिड द एंशियंट पीपल ट्रेवल? बाय बसेस, बाय ट्रेन और ऑन फुट. तो एंशियंट पीपल जो थे ना तो उनके पास बसेस थी ना तो ट्रेन थी, तो ऑन फुट. नेक्स्ट वी क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज. हंटर गैदरर्स ने केव्स और रॉक शेल्टर में रहना क्यों चूज किया? बिकॉज प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन्स, विंड्स एंड सनलाइट. उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम केव्स में रहेंगे, रेन से, विंड से और सनलाइट से बचने के लिए. नेक्स्ट बी, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 years ago. नेक्स्ट सी, हंटर गैदरर्स लिव्ड अराउंड 2 million years ago.
नेक्स्ट डी द पैलियोलिथिक एज वॉज फॉलोड बाय द मेजोलिथिक एज. जो पैलियोलिथिक एज है उस किसको फॉलोड कर रही है, मेजोलिथिक एज को, क्योंकि जो पैलियोलिथिक के बाद है वो मेजोलिथिक एज आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमारे पास क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर आर नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स फाउंड. नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डिकेन प्लेट्यूज. जो हमारे जो नेचुरल केव्स है, हमने ये देखा है भीमबेटका, और वो मध्य प्रदेश में है, विंध्यास एंड डिकेन प्लेट्यू. और जो रॉक शेल्टर है वो भी हमें कहाँ कहाँ फाउंड हुए हैं, विंध्यास एंड द डिकेन प्लेट्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बी, वाई डिड अर्लियर पीपल यूज फायर. जो अर्लियर पीपल थे फायर का यूज़ क्यों करते थे. सो आंसर है हमारा, दे यूज फायर टू मेक लाइट, टू कुक मीट एंड फ्राइटेन एनिमल्स. तो वो क्यों करते थे, एक तो लाइट के लिए, मीट कुक करने के लिए, एंड एनिमल्स से स्केयर करने के लिए, अवे करने के लिए उनको. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सी, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर. अब वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस टूडे. यहाँ पे हमको 3 वेज बताने हैं कि जो हंटर गैदरर्स से जो फायर को यूज़ करते थे. और फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी इन ऑप्शंस में से हम जो किस पर्पस से आजकल जो है हम फायर को यूज़ करते. तो हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के रूप में, कुक मीट आर फूड, फूड और मीट को कुक करने में, टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल से दूर रहने के लिए. एंड वी यू वुड यूज़ फायर एज अ सोर्स टू कुक फूड. और आज भी हम जो है फायर को फूड कुक, फूड को कुक करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर डी, हाउ वर स्टोन टूल्स यूज्ड इन द पास्ट. हम पास्ट में टूल्स का, स्टोन टूल्स का यूज़ कैसे करते थे. स्टोन टूल्स की बात हो रही है. सम स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट, मीट को कट करने में, एंड बोन स्क्रेप बार्क फ्रॉम ट्रीज, जो ट्रीज की बार्क होती थी उनको निकालने के लिए, एंड ट्रेड्स एनिमल्स, एनिमल्स स्किन्स को, फ्रूट्स चॉप करने के लिए, रूट्स. सम वर यूज्ड एज हैंडल्स ऑफ बोन आर वुड, उनमें वुड्स के हैंडल्स भी लगाए जाते थे. सम वर यूज टू मेक स्पेयर्स एंड अराउज फॉर हंटिंग, अदर टूल्स वर यूज्ड टू कट वुड. और बाकी जो टूल होते थे वो वुड कट करने के लिए भी हम यूज़ करते थे. तो ये सारे यूज़ हैं इनके पास्ट में स्टोन टूल्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ई, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. पीपल ग्रोइंग क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस. पीपल ने क्रॉप्स ग्रो करना इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि उनको, ताकि एक जगह पे रह के उनको फूड अवेलेबल हो जाए, ये चीज़ हुई थी उनके साथ. पीपल ग्रोइंग क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस द क्रॉप्स रिक्वायर मेंटेनेंस. और अगर वो क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उस क्रॉप्स को मेंटेनेंस की रिक्वायर रहेगी. कैसे, लाइक कॉन्स्टेंट वाटरिंग, उनको टाइम टाइम पे वाटरिंग अवेलेबल हो, एंड केस फॉर प्रॉपर ग्रोथ, उनको प्रॉपर ग्रोथ हो उनकी. मोर एवर द प्रोसेस ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट इज़ लॉन्ग. और इसी के चलते जो क्रॉप्स की डेवलपमेंट होती थी वो बहुत लंबे समय तक चलती थी. नाउ हियर योर चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री इज़ कम्प्लीटेड, एंड यहाँ पे आपकी वर्कशीट भी कम्प्लीट हो गई है. थैंक यू.